जिला हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कोरोना महामारी से भकरेड़ी पंचायत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, लेकिन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी ग्रामीण मदद के लिए नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि मृतक के परिवार में 3 लोग हैं, बेटा और उसकी पत्नी जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित है। उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बेटे ने आस पड़ोस में फोन के माध्यम से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। बेटे ने थक हार कर बड़सर के विधायक के पीए से मदद मांगकर उनसे सहायता की गुहार लगाई। विधायक भी तुरंत सूचना पाकर अपने बेटे और निजी पीए के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंच गए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी सूचना देकर बुलाया गया और उसके बाद कोविड-19 के नियमों के तहत देर रात में शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस दौरान विधायक इंद्र लखनपाल ने बताया कि इस परिवार की मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था, तो मृतक के बेटे ने सूचना देकर मदद की गुहार लगाई, जिस पर इस पीड़ित परिवार की मदद की गई है। देखिए, कल कोई 4 बजे के आसपास जो मेरे पीए हैं मनोज डोगरा जी, उनको दूरभाष आया किसी व्यक्ति का कि यहाँ पर उसके जिसकी मृत्यु हुई है उसके लड़के का फोन आया था कि ऐसे ऐसे हमारे फादर की डेथ हो गई है और मैं अकेला हूँ घर में और मेरे मदर भी पॉजिटिव हैं, तो कोई भी समय हमारी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। तो फिर हमने कहा यार ये तो बड़ी गलत बात है। फिर हम उठे और साथ में मेरा बेटा भी था और मेरा पीए मनोज भी, फिर हम निकले यहाँ से, वहाँ उनके घर में गए और प्रशासन से बात की। फिर प्रशासन के लोग भी आ गए और प्रधान भी आ गए, उप प्रधान भी पहुँच गए। फिर हमने सब ने मिल के जो है उस डेड बॉडी को प्रोटोकॉल के तहत, जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार जो है मेरे बेटा और मेरे पीए जो है मनोज कुमार और उनके बेटा और साथ में 2 लोग जो प्रशासन के थे, उन्होंने फिर किट्स पहनकर जो है उनको वहां से उनकी डेड बॉडी को उठाया और फिर हम सब शमशान घाट गए और रात को 10 बजे तक जो है हमने उसका दाह संस्कार किया। लखनपाल ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि ऐसे कठिन समय में एक दूसरे की मदद करने से पीछे ना हटें बल्कि उनका सहयोग करें। विधायक के बेटे राहुल लखनपाल ने बताया कि फोन के माध्यम से सूचना मिली थी और तुरंत पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से शव को पूरे तरीके के साथ जलाया गया है। वातावरण जो बन गया है और अमूमन देखने में मिल रहा है कि लोग जो हैं बहुत भयभीत हो गए और जो इस प्रकार की जो मृत्यु हो रही है गांव में, शहरों में, गली मोहल्ले में, लोग इतने घबरा गए हैं कि डेड बॉडी को छूने से भी डर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं आम जनता से कि ऐसे समय में आप डरे नहीं, हौसला रखें। देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, वो किसी की भी होनी है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे गांव में किसी की मृत्यु होगी तो मेरी नहीं होनी है, मेरी भी मृत्यु होनी है। अगर ऐसा हम सोचने लग जाएंगे तो मानवता कहां गई। आखिर आज से 2 महीने पहले हम विवाह शादियों में भीड़ जमा कर रहे थे, अपने घरों में फंक्शन कर रहे थे, लोगों को घर में बुला रहे थे और उनको रोटियां खिला रहे थे, धामे खिला रहे थे और लोग घरों के लिए रोटियां ले जा रहे थे। आज वो भाईचारा कहां गया। ये बहुत शर्म की बात है कि जिस घर में यदि कोई पॉजिटिव हो जा रहा है व्यक्ति, गांव के लोग उसको एक बहुत ही, क्या कहूं मैं, समझ नहीं आ रही है मेरे में कि मुझे कि क्या वातावरण हो गया ये कि लोग जो है आदमी से डर रहा है। यदि कोई बीमार हो गया है, कोई महामारी है, उसमें हमें हिम्मत के साथ काम करना चाहिए। हमको प्रोटोकॉल के तहत जो एहतियात बरतनी है उनको बरतें। वहीं बड़सर कांग्रेस के विधायक के पीए मनु डोगरा ने बताया कि ऐसी महामारी में एक दूसरे की मदद करें, तभी सामाजिक सरोकार जीवित रह पाएंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि ऐसी विकट परिस्थितियों में युवाओं को एहतियात बरत कर लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। कल कोई तकरीबन 4:30 के बीच में मेरे को एक कॉल आई व्यक्ति की। वो मेरे को कॉल आती है कि जी ऐसे ऐसे मेरे फादर की डेथ हो गई और वो कोरोना संक्रमित थे और मेरी मदर भी कोरोना संक्रमित है, लेकिन कोई भी गांव वाला जो है उसके डेड बॉडी को उठाने के लिए और जलाने के लिए कोई नहीं तैयार है। तो इस बारे में मैंने अपने हमारे माननीय विधायक जी से बात की और इनके बेटे से बात की कि भैया ऐसी ऐसी बात है तो हमें वहां पे चलना चाहिए। तो इन्होंने बिना रोक टोक के बोला ठीक है हम चलते हैं। उसमें हम दोनों, मैं और राहुल लखनपाल हमारे विधायक जी के बेटे, हम दोनों ने गए और वहां पे पीपी किट डाली
और इसके बाद हमने जाके वहाँ पे उसको प्रशासन भी उसमें वहाँ पे पहुँच गया और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो वहाँ पे वो किया गया, उनको उसको बॉडी को रैप किया गया, हमने भी उसमें सहायता की। इसके बाद हम वहाँ पे उनको जाके शमशान घाट में जाके अंतिम संस्कार किया। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि इसमें ये समय तो चलो ठीक है, महामारी फैली है, लेकिन लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए सहायता के लिए, क्योंकि मरना तो एक निश्चित है। कल को ये यही घटना अगर हमारे साथ होती है, लोगों को ये सोच के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी किसी को उठाने नहीं आएगा। देखिए जी, शाम को कोई करीब 4 बजे हमें कॉल आई कि ऐसे ऐसे मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, कोरोना पॉजिटिव थे वो, और मेरी मदर भी कोरोना पॉजिटिव है और हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो मनु डोगरा जी हैं जो पीए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो हमें ही चलना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं कहा चलिए बिल्कुल। तो हम गए तो हमें प्रशासन की तरफ से, आशा वर्कर जो थे वहाँ पर, उनकी तरफ से पीपी किट्स मुहैया कराई गई। तो मैंने और उन्होंने पीपी किट पहनी, और एक उनके बेटे ने, और एक हमारे को हेल्थ सीएमओ साहब की तरफ से एक हेल्थ वर्कर मिला। तो हम सब ने वो बॉडी रैप करी, उसे लाए, बाहर रखा और क्रिमिनेशन सेंटर की ओर लेते चले। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें एज अ होल समझना पड़ेगा और ह्यूमैनिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आज भूल रहे हैं। ठीक है, वनरेबल सिचुएशन है, हमें अपनी सेफ्टी भी रखनी है, साथ साथ अपनी फैमिली की सेफ्टी भी रखनी है, लेकिन जब आप किसी की हेल्प ही नहीं करोगे तो वो कितना बड़ा एक रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को भी जाता है, और जो आने वाले यूथ बच्चे उनके ऊपर भी एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है, जितनी ज्यादा आप लोगों से हेल्प हो सके करें, अपनी सेफ्टी भी रखें, लेकिन लोगों की हेल्प भी जरूर करें।